नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरविंदर बांगा, ARV एस्थेटिक्स से। सोराइसिस या छाल रोग, व्यक्ति इतना परेशान होता है, उसे समझ ही नहीं आता। तो आज कुछ सवाल, कुछ जवाब हम तय करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सोराइसिस लाइफ लॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ऑटोइम्यून फैक्टर्स, तीनों में से कुछ को हम बैलेंस करते हुए आपकी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है जिसमें लगातार स्किन कच्ची कच्ची उतरती रहती है, पपड़ियाँ उतरती हैं और आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज की डेट में इतनी सारी थेरेपीज़ आ गई हैं कि आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप दवा लगाने से, दवा खाने से, कुछ इंजेक्शन्स हैं, आप इसको समझिए कि 2 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक के इंजेक्शन्स अवेलेबल हैं। लेकिन आपकी बॉडी को क्या सूट करेगा, क्या नहीं करेगा, ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट समझने की है। इससे घबराइए नहीं, इसको साथ मन को डिप्रेशन में मत जाने दीजिए, क्योंकि डिप्रेशन अपने आप में इस बीमारी को बढ़ाता रहता है। तो क्वालिफाइड कंसल्टेंट से मिलिए, वो आपको समझेंगे किस तरह की दवाइयों की रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि इसके कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें सोराइटिक आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द वगैरह बढ़ जाना, इन सबको बचा सकें। बहुत से ऑप्शंस हैं, एक बार किसी भी स्किन डॉक्टर से मिलिए और फोटोथेरेपी या इंजेक्टेबल्स पे जाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।